हाथरस युवती की मौत पर भीम आर्मी ने गांधी समाधि पर मोमबत्तियां जलाकर दी श्रद्धांजलि। गैंगरेप के बाद युवती की मौत पर गांधी समाधि पर भीम आर्मी ने मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धांजलि दी। अलीगढ़ के हाथरस में 14 सितंबर को दलित युवती के साथ गैंगरेप कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसको अलीगढ़ के JN मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कर लिया गया था, जिसकी हालत गंभीर होने पर इलाज के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां मंगलवार को हाथरस की गैंगरेप पीड़िता जिंदगी की जंग हार गई। गैंगरेप के बाद दलित युवती की मौत से पूरे प्रदेश के अलावा सभी जगहों पर उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस की कार्यशैली पर राजनीतिक और सामाजिक संगठन सड़कों पर उतर आए हैं और प्रदर्शन कर मोर्चा खोल दिया है। इसी के तहत भीम आर्मी संगठन ने भी हाथरस में दलित समाज की लड़की के साथ हुए गैंगरेप और दिल्ली में इलाज के दौरान मनीषा की मौत के बाद भीम आर्मी जिला अध्यक्ष ऋषि गौतम के नेतृत्व में रामपुर गांधी समाधि पर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने मोमबत्ती जलाकर मनीषा को श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके हथियारों को फांसी देने की मांग की। साथ ही ढिलाई बरतने में पुलिसकर्मियों सहित जो भी शामिल रहे हों उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्यवाही और बर्खास्तगी की मांग की है। कहा कि इस सरकार में सिर्फ दलित और मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है और कुचले जा रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? गौतम जी, जो आज आपने विरोध प्रदर्शन किया है, तो क्या मामला है? ये जिला अदालत में इस दलित लड़की के साथ में अत्याचार हुआ था, उसका बलात्कार हुआ, गैंगरेप हुआ, उसकी जीप काट ली गई और आज सुबह उसकी मृत्यु हो गई। इसी के उपलक्ष्य में हमने कैंडल मार्च किया है। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि उनके हथियारों को फांसी की सजा हो कम से कम, जिससे समाज में इस चीज़ का संदेश जाए कि अब दलित असहाय नहीं है और हिंदुस्तान में सब लोगों को पता लगना चाहिए जो दलितों के साथ अत्याचार करता है उसके साथ भी कुछ ना कुछ बुरा हो सकता है। तो आपको विश्वास है कि अब उसको जो है न्याय मिल पाएगा? न्याय के लिए सब काम कर रहे हैं साहब, अगर न्याय मिले तो बहुत अच्छी बात है। कानून व्यवस्था पर यूपी कितना भरोसा है? कानून व्यवस्था पर तो सर बिल्कुल व्यवस्था यूपी की समय बिल्कुल लाचार व्यवस्था है। नया नाटक नहीं तो आए दिन होती रहती है। अच्छा, इससे पहले भी इस तरीके की घटनाएं हुई हैं, तो अभी ये हुई है, आपको लगता है कि दलित मुस्लिमों के साथ में ही अत्याचार हो रहा है? पूरा यूपी का इतिहास उठा के देख लीजिए, जब से ये सरकार बनी है दलित और मुस्लिम बिल्कुल बुरी तरीके से मक्खी मच्छर की तरह पीछे जा रहे हैं। आए दिन हत्याएं, लूट, डकैती, बलात्कार, ये कोई नई घटना नहीं है, आज लगातार होती रही है। आज हमारे संगठन भीम आर्मी ने ये बीड़ा उठाया है कि अब आगे से ऐसा कहीं नहीं होने देंगे।